नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके डायलर की बहुत ही सीक्रेट ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे दोस्तों आप अपने फ़ोन के डायलर के अंदर अपनी या फिर अपने किसी गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की या किसी की भी फ़ोटो लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही ईजी है और काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इस ट्रिक पर समय समय पर कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, चेंज आते रहते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में बहुत ही आसानी से आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप एक मिनट के अंदर अपने कीपैड में फोटो लगा सकते हैं। तो काफी कमाल की वीडियो है, बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले इस बटन को प्रेस करके वीडियो को कर देना है लाइक, उसके बाद इस लाल बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही इस बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट सेक्शन में चले जाना, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है, आपको लिख देना नाइस ट्रिक, और इतना करने के बाद दोस्तों सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त इस ट्रिक को अपने फोन में यूज कर सकें। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं, सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों फ़ोन के डायलर में या कीपैड में अपनी फ़ोटो लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, और दोस्तों आप जब सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है कीबोर्ड। तो इस तरीके से आपको कीबोर्ड लिख के सर्च कर देना है। अब दोस्तों आप जैसे यहाँ पर कीबोर्ड लिख के सर्च करेंगे तो आपके फ़ोन में सेटिंग आ जाएगी, और दोस्तों आप कोई सा भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपको हर एक फ़ोन में ये सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली सेटिंग पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों आप जो भी इस कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, फिर चाहे वो सैमसंग का हो या गूगल का हो या फिर मैं जी बोर्ड यूज कर रहा हूं, तो यहां पर आपको उस कीबोर्ड पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहां पर आपके सामने बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, तो यहां पर आपको थीम्स की सेटिंग दिखाई दे रही है, तो इस पर आपको टैप कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आप टैप करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी कस्टमाइज थीम देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई डाउनलोड भी करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी फ़ोटो कैसे लगानी है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको माई थीम्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है, तो सिंपली इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और ये आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा, और यहाँ से आप जिस भी फ़ोटो को लगाना चाहते हैं उस फ़ोटो को आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, और जितनी भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं उसे क्रॉप कर देना है। तो ये मेरी प्यारी सी बेटी की फ़ोटो है, तो इसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे लगा दिया, फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको इसे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी फ़ोटो लग चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर मैं अपना जो है कीपैड ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारी फ़ोटो हमारे कीबोर्ड में लग चुकी है। तो दोस्तों काफ़ी कमाल की ट्रिक है, आप लोग बहुत ही आसानी से इस तरह से अपने फ़ोन के कीबोर्ड में अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।